हेलो गाइस, कैसे हो आप? यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। राजकुमारी ब्लॉग में तो आप लोग को नहीं रही हूँ, तो आप लोग बताइए भाभी की वीडियोज़ कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना, अच्छे कमेंट करना, गलत मत करना भाभी की लिए, ठीक है? तो गाइस, मैं मुझे बहुत हैबिट है मेरी ये ड्रेस मुझे मेरे लिए, तो आप लोग कमेंट में क्या कहना चाहते हो आप बताइए भाभी को, ठीक है? और बताइए गाइस आप लोग कैसे हो। तो हम तो उम्मीद करते तो आप लोग अच्छे ही होंगे, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है भाभी को, तो और दिल से सपोर्ट करना, ठीक है? तो भाभी को ज़्यादा जल्दी से जल्दी 1 लाख करवा दीजिए भाभी के, भाभी बहुत खुश रहेगी। आप लोगों का आशीर्वाद द्वार दुलार बना रहा है, दुलार बना रहा है आशीर्वाद, ठीक है? और आप लोग कैसे हैं? भाभी तो यही बोलना चाहती है, जो जो सोशल मीडिया पर काम कर रहा है तो भाई अच्छे से करना, दिल लगा के अगर इस लैन में आप लोगों ने कदम रखा है तो झुकाना नहीं, पीछे मत, कदम को हटाना, आगे ही बढ़ाना, तब इंसान की वो होती है कि हाँ इंसान ने कुछ नाम रोशन किया है, ठीक है? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि जो जो जितने भी चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई ताऊ चाचा कोई भी हो, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूँगी भाई आप लोग अच्छे से काम करिए, कोई गलत काम नहीं करिए, कोई गलत वीडियो नहीं डालिए, ठीक है भाई? अब मुझे तो पता चल गया है कि कैसे वीडियो डालना है, तो मैं तो भाई अच्छे वीडियो डालूँगी, गलत तो नहीं डालूँगी, ठीक है? और जहाँ तक अभी मैं एक चैनल और खोलने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग बताइए ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है भाभी की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाभी की ड्रेस कैसी लग रही है, ठीक है? अगर आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोग एक बात बताइए मुझे, मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोग लाइक कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, फिर मेरे वीडियो क्यों नहीं देखते आप लोग हैं? कि भाभी वीडियो, भाभी की दिक्कत चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोग देख रहे थे कि कितनी दिक्कत में थी, सर में कितनी प्रॉब्लम में थी, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं। अब मेरी समस्या जो मुझे प्रॉब्लम थी, तो मेरी प्रॉब्लम सब शांत हो चुकी है, सब बढ़िया हो गया है, और जिस चीज़ के लिए मैं पागल बनी फिर रही थी वो चीज़ भी मेरे पास आ गई है, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे इस पर, ठीक है? तो आप लोगों से यही बोलना चाहती थी से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भैया भाभी की सपोर्ट करना, ठीक है? भैया को आगे बढ़ाना, आप लोगों को ऐसी बात नहीं, आप लोग भी खोलिए चैनल, आप लोग भी बनाइए, लेकिन बनाना तो कदम आगे, सरकाना पीछे मत सरकाना। सोशल मीडिया पे अगर तुमने काम किया है, कदम रखा है, तो नाम रोशन जरूर करना आप लोगों को, ठीक है? अच्छी वीडियो बनाना। और मैं तो मैं फिलहाल अभी काम पे नहीं जा रही हूँ, और देखती हूँ मैं 1-2 तारीख से जाऊँगी काम करने के लिए, तो मैं बैठी हूँ, तो मैं लिखती हूँ चलो एक वीडियो डाल देती हूँ आप लोगों के लिए बना के, ठीक है? तो आप लोग बहुत बताइए आप लोग कैसे हो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे? मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ, और आप लोगों ने देखे हैं मेरी वीडियो कैसे कैसे मैं गाँव के मैं वीडियो डाल रही थी आप लोगों ने, मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करता था, क्यों मेरे पति नहीं थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती थी, ठीक है? मेरे पति मेरे पास आ गए, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगा है, हर औरत चाहती है कि मेरा पति मेरे पास रहे, कहीं और जगह ना जाए, ठीक है? और रिश्तेदार हैं जो भड़काते हैं, जो गलत है, भगवान सच्चे जो इंसान एक दूसरे के खिलाफ करता है, चाहे रिश्तेदार, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे किसी के भी रिश्तेदार हो, देखो भगवान भी है ना, ईश्वर भी है, तो अच्छे का साथ देता है, गलत का कोई साथ नहीं देता है, चाहे मेरे रिश्तेदार हो और चाहे मेरे पति के रिश्तेदार हो, ठीक है? गलत का साथ ही कोई नहीं है, अच्छे का साथ ही दुनिया है, लेकिन ये भूल जाते हैं इंसान इस चीज़ के लिए कि भाई औरत है एक, ठीक है? हम कोई जानवर नहीं है, और तुम जो बोलते हो कि इसको छोड़ दो, हटा लो, छोड़ दो, हटा दो, तो ये मिट्टी के बदूना नहीं कि बार बार मिटा लो, बना लो, मिटा लो, बना लो, ठीक है? उनकी ज़िंदगी से हम बंध गए तो इस ज़िंदगी में तो संभावना नहीं है कि हम उनसे दूर हो जाए। मौत भी होगी तो मौत भी मंजूर है, लेकिन मैं अपने पति से दूर कभी जीवन में नहीं हो सकती हूँ,
जब भी होगी, जब मेरी सांसें निकल जाएंगी तभी मैं अपने पति से दूर होंगी, ना तो इससे पहले मैं अपने पति से दूर नहीं हो सकती। क्यों, मैं प्यार एक ऐसी चीज़ है, अंधा ही होता है प्यार। प्यार में इंसान कुछ नहीं देखता कि किसका बिगड़ रहा और किसका सुधर रहा, बिल्कुल नहीं देखता इंसान, ठीक है ना। आप मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आदमी क्यों ऐसा भड़काते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है बात। भाई मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बहन बहनें हुए हैं, भाई वो तो यही बोलते हैं, तुमने दुनिया छोड़ी तो दुनिया छूटी है तुम्हारी, तुम्हारा प्यार भाई, तुम जिस चीज़ में खुश हो भाई उस चीज़ में खुश रहो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा खुशी मतलब छीन लें कि अलग अलग कर दें, नहीं भाई, तुमने जो हमारे मन की खुशी तुमने अपने आधार से टोल ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने जो किया है अच्छा किया है, तुम अगर उसमें खुश है तो रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग रिश्तेदारी के ऐसे भी है कि तू उसको छोड़ दे, तू उसको मत रख, तो ये तो गलत है ना, कहाँ जाएगी वो, उसको छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगी, ये नहीं सोचते हैं आदमी है। औरत ऐसे नहीं छूट जाती, मिट्टी के बाद ना कि बना लो मिटा लो, औरत को छोड़ने में रखने में बहुत वो होता है। अब इंसान ने पढ़ा नहीं है औरत के साथ, का जब इंसान पढ़ता है ना जब उसको ज्ञान बैठता है तो औरत क्या चीज़ होती है। तो हम तो वही बोलते हैं कि भाई चाहे देखो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, मेरे खिलाफ कभी भी गलत नहीं सोचना कि जितेंद्र मैं अलग हो जाऊँ, तो कभी नहीं हो सकते इस जीवन में, नहीं हो सकते हम, लेकिन भगवान ने जाने को, ठीक है। कभी भी मत सोच लेना इस जीवन में तो नहीं हो सकते हम दोनों, मरने के बाद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उस जन्म में नहीं होगी मैं अलग, नहीं होगी तो नहीं होगी। हर चीज़ उनने त्यागी है, हर चीज़ मैंने त्यागी है, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा नहीं करना मेरे साथ। रिश्तेदार मन से सबसे यही बोलती हूँ हाथ जोड़ के, किसी के साथ किसी का जैसा चल रहा चलने दो, किसी की बीच में छुरी मत घुसो। भाई तुम अपना बच्चा परिवार देखो, हम जैसे रह रहे हम अपना परिवार देखें, लेकिन बीच में तुम क्यों टांग अड़ाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आती। तुम कौन हो सकते हो, तुम क्यों टांग अड़ाते हो बीच में, मुझे ये बता, ये समझ में नहीं आती मुझे, ठीक है। तो बीच में टांग कोई भी रिश्तेदार चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, बीच में अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे ऐसी बात नहीं, जीरा में भी मेरे वीडियो देखते हैं, ठीक है, और धमना में भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी जौन भी रिश्तेदार देख रहा हो, तो बीच में तुम लोगों को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम दोनों के बीच में। अगर किस कोई भी अगर आपकी बार बीच में आ गया पता चल गया तो फिर जितेंद्र को तो छोड़ेंगे, हम उससे निपटेंगे, चाहे हमारे मायके को हो गए और चाहे सासरे को हो गए और चाहे हमारी बहन के त्याग को हो गए और चाहे उनकी बहन के त्याग हो गए, जितेंद्र को तो छोड़ दे, हम उससे निपटे। इतना आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच में कोई ना आए, बस इसलिए हमने वीडियो डाला बनाते हैं। टाटा, अगले ब्लॉग में।